पाने स्टोर में शिवा ने फाइनली मांगी रावी से माफी। जी हाँ दोस्तों, देखने को मिलेगा कि शिवा और रावी दोनों ही धरा और गोम्बी के बीच में जो डिस्कशन हुआ है कि धरा और गौतम दोनों में ही बहुत बड़ी लड़ाई हो गई है बच्चे की रिपोर्ट को लेकर। दरअसल धरा और बच्चे की जान तो बचा ली गई है, लेकिन धरा इस बात से नाराज है कि गौतम ने इतने दिनों से ये बात छुपाई और उसे शक था कि किसी और के साथ उसका अफेयर चल रहा है। जिसके बाद ने रावी इस बात को सुलझाने की कोशिश में लगी हुई कि गोम्बी ने सच में सबका दिल दुखाया ये बात छुपा कर, क्योंकि हमारा भी तो किसी माँ का तो उस बच्चे पर हक होता ही है, उन्हें उनको बता देना चाहिए जिससे कि वो कोई स्ट्रेस नहीं लेती और सब कुछ प्रॉब्लम्स पहले सॉल्व हो जाती, जिससे कि गोम्बी को इतनी बड़ी जो है सब चीज़ें जो चल रही थी स्ट्रेस वाली, वो तो वैसे भी उनको स्ट्रेस हो ही गया ना। और यही बात वो डिस्कशन करती है कि उन्हें माफ़ी तो ज़रूर मांगनी चाहिए, ताकि क्योंकि धरा दीदी का दिल तो दुखा ही, और एक माफ़ी से सब कुछ ठीक हो सकता है, नहीं तो माफ़ी से रिश्ते टूट भी सकते, नहीं मांगने पर टूट भी सकते हैं। जिसके बाद में शिवा को ये एहसास होता है कि उसने भी रावी के साथ बहुत गलत किया है और एक सॉरी नहीं कहने की वजह से उनका रिश्ता तलाक तक पहुँच गया था और फिलहाल भी अभी उसी में चल रहा है। लेकिन फाइनली उन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन हर किसी को दूसरा मौका नहीं मिलता है और इसीलिए शिवा रावी से माफ़ी मांगता है और कहता है कि अब मुझे मैंने जो भी किया उस दिन मंदिर में वो इसीलिए किया था क्योंकि वो उसको जीले से फील हो रही थी और उन लड़कों के साथ उसे देख नहीं पा रहा था कि वो भी ज़्यादा स्मार्ट स्टाइलिश हैं ये वो, और इसे ये नहीं करना चाहिए था। तो फाइनली रावी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और शिवा की माफ़ी से रावी पिघल जाती हैं। तो भाई फाइनली दोनों के बीच में सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो रहा है और जल्दी ही दोनों का महामिलन भी देखने को मिलेगा।